आज की स्टडी में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी अमेज़ॉन की लिस्टिंग पर डिस्काउंट कैसे देते हैं। अब आप बहुत से प्रोडक्ट लिस्टिंग पे देखते हैं जैसे कि ट्रिमर्स हैं, किसी में 26% ऑफ है, किसी में 31% ऑफ है, किसी में 44% ऑफ है, किसी में 64% ऑफ। मतलब कि हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, ये मैंने ट्रिमर का एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ हमने क्लिक कर दिया प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिस्टिंग में लिखा आता है ना कि MRP 900 माइनस 44% और 499 का प्रोडक्ट। तो ये ऐसे कट कट के माइनस 44% कैसे अपनी लिस्टिंग में डालते हैं, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोल लेंगे या मैनेज और इन्वेंट्री पे आएंगे। इसके बाद अपनी कोई भी लिस्टिंग होगी उसको यहाँ दबाएंगे एडिट। इसके बाद है ऑफर्स पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद आपको याद रखना है कि यहाँ ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो योर प्राइस लिखा होगा, स्टार वाली फील्ड है योर प्राइस। एकदम नीचे नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपको कितना डिस्काउंट देना है, आपको पहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना है, फिर योर प्राइस लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा 1500, ठीक है। और प्रोडक्ट में दे रहा हूँ 750 में, ठीक है। तो आप ये देखिए क्या है, मतलब इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1500 और ये योर प्राइस में, मतलब आपको जो प्राइस पे बेचना है 750, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब हो गया कि जब आपकी लिस्टिंग होगी उसमें ऐसे 50% ऑफ लिखा आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से हम करते हैं इस डिस्काउंट इधर लिस्टिंग में। इसको सेव एंड फिनिश दबा देंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।